लगभग 500 वर्ष पहले जो भक्ति युग चला, एक भक्ति आंदोलन जिसके अंतर्गत लगभग 100 विशिष्ट संत पूरे भारतवर्ष में अवतरित हुए और सर्वत्र एक भक्ति का माहौल स्थापित कर दिए, उसी के अंतर्गत मीरा का भी अवतरण हुआ। मीराबाई का मार्ग अनोखा था, उसे बस अपने गिरिधर गोपाल से प्रेम था और कोई किसी चीज से मतलब नहीं। जितना उस मीराबाई को विरोध मिला, मीराबाई अपने सिद्धांत से, अपने मार्ग से बिल्कुल एक इंच इधर उधर नहीं हुई। प्रशंसा थोड़ी मिली, विरोध निंदा अधिक मिली, लेकिन मीराबाई का नाम भारत के इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित हो गया। हम लोग मीराबाई के चरित्र का आस्वादन करेंगे एवं उनसे भक्ति की प्रेरणा लेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1557 में राजस्थान के मेड़ता राज्य में हुआ। इनके पिताजी का नाम था राव रतन सिंह और दादा का नाम था राव दूदा। मीरा का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। श्री महाराज जी शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि प्रकट हुए, मीरा शरद पूर्णिमा के मध्यान्ह में प्रकट हुए, तो उनको नाम दिया गया मिहिर। ये सूर्य का एक पर्यायवाची है मिहिर, वो मिहिर परिवर्तित होके मीरा हो गया। अब बाल्य अवस्था से ही मीरा का स्वभाव सब बच्चों से अलग था। राजस्थानी में कहावत है कि पूत का पग पालने में ही दिख जाए, तो मीराबाई को खिलौनों में रुचि ही नहीं थी, क्योंकि कोई उनके मन को आकर्षित कर रहा था और मीराबाई को संसारी नहीं होने दे रहा था। इनके दादाजी परम संत सेवी थे राव दूदा, और घर में संत पधारते थे, वे उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे। इस चीज का घर के बच्चों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, और मीराबाई अपने संस्कार लेके आई थी, तो संतों के सत्संग का आस्वादन का चस्का मीराबाई को बचपन से लग गया था। चित उस दिशा में खूब आकर्षित होता था। जब वे 4 वर्ष की थी, राव दूदा दादाजी की इच्छा हुई कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे डाकोर, जहां रणछोड़ जी का मंदिर है। मीरा ने दादाजी को कहा मैं भी चलूंगी। अब वो तीर्थ पे गए, छोटी सी मीरा को भी ले गए। दर्शन करके जब वापस आ रहे थे, मीरा ने राव दूदा से कहा कि दादाजी एक प्रश्न करूं क्या? पूछो बेटी। वो एक संत आए थे ना, तो संत ने बताया था हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह एक समान व्याप्त रहता है। हाँ बेटी, बताया था। फिर हम इतनी दूर तीर्थ करने क्यों आए हैं? भगवान तो हमारे मेड़ता में भी रहता है। राव दूदा ने सोचा कि ये मेरी छोटी सी
पोती, और क्या उसने पॉइंट निकाल दिया। तो वहां एक जगह पर वो नदी के बगल में रुके, एक संत योग मुद्रा में बैठे हुए थे। मीराबाई वो योगी की मुद्रा को देखकर आकर्षित हो गई। बच्चे के संस्कार जानने के लिए माता पिता ये तरकीब लगाते हैं, एक गीता दे देंगे और सोना दे देंगे, बेटा क्या चाहिए उठाओ। तो पूर्व संस्कार अनुसार बच्चा अपना हाथ बढ़ा देता है। माता पिता कहते हैं अच्छा ये पैसे वाला होगा, अरे ये तो विद्या वाला होगा। यहाँ मीराबाई योगी की ओर आकर्षित हो गई। तो योगी बैठे हुए थे, मीराबाई वहां पहुंच गई। योगी उसके स्वरूप को देखकर मुग्ध हो गए और तुरंत वो समझ गए कि ये तो कोई विशिष्ट आत्मा लग रही। पूछा बेटी तुम्हारा परिचय? 4 वर्ष की मीरा ने कहा कि परम संत सेवी राव दूदा के मझले पुत्र राव रतन सिंह की मैं बेटी हूं। तो उत्तर सुनकर योगी जी और प्रभावित हुए। वे मीरा के साथ वापस उसके दादा राव दूदा के पास गए और साथ साथ महल तक वापस पहुंचे। तो उन्होंने कहा हम आपकी बेटी को योग सिखाएंगे। राव दूदा बहुत प्रसन्न हुए। योगी जी ने मीराबाई को कहा बैठो। अब वो योग साधना के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो लाइट का ध्यान करो क्या दिख रहा है। मीरा ने कहा मुझे तो हजारों सूर्यों का प्रकाश दिख रहा। वो योगी जी 4 दिन के बाद राव दूदा को बोले कि हमने तो उसको सिखा दिया। उन्होंने कहा 4 दिन में सिखा दिया? योगी जी ने कहा कि मैं उसको सिखाने के लायक तो हूं नहीं, उससे सीखने लायक हूं। उसकी जो पवित्रता है और उसके जो प्रबल संस्कार हैं, मैं तो बहुत पीछे हूं उससे। मेरा सौभाग्य मिला कि ऐसी आत्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब राव दूदा बहुत प्रसन्न, किंतु मीरा की मां परेशान हो रही है कि मेरी बेटी खेलने में तो रुचि लेती ही नहीं। अब बच्चों में बाल चापल्य देखा जाता है ना, और बच्चा अत्यधिक गंभीर हो तो माता पिता सोचते हैं इसका बाल चापल्य कहाँ है। तो दूसरी ओर राव दूदा सोच रहे हैं कौन सी पुण्यात्मा मेरे घर में मेरे कुल में आ गई। योगी जी तो 4 दिन के बाद चले, अब और संत आने लगे। एक संत वहां पहुंचे, वे संगीत के विशारद थे। तो वे जब तानपुरा हाथ में लेकर गाते थे, मीराबाई और आकर्षित होती थी। योगी के प्रति आकर्षण तो था, लेकिन ये जो संत भजन गा रहे थे गिरधर गोविंद गोपाला इत्यादि, वो तो मानो मीरा के चित को ही हर लेता था। तो मीरा बैठ के सुनती रहती थी और संत भी समझ गए घायल की गति घायल जाने। जो घायल होता है ना प्रेम में, तो दूसरा घायल समझ जाता है। अच्छा अच्छा, तो भक्त की बात को भक्त समझता है, तो इसीलिए वो समझ गए। मीरा ने कहा कि मुझे आप गाना सिखाएंगे? वे अपनी साधना से समय निकालकर उसको सिखाने लग गए। अब मीरा जल्दी जल्दी सीख जाए। एक दिन परिवार बैठा हुआ था और संत ने मीरा को कहा बेटी गा के सुनाओ। मीरा जब गाने लगी, मानो उसकी अंतरात्मा से ही आवाज आ रही थी।
तो राव दूधा सुनते ही रह गए, कान खुल गए कि भाई ये क्या, ये कैसी पुण्यात्मा है, मैं तो धन्य हो गया ऐसे जीव को अपने कुल में पाकर। तो अब मीरा के जीवन में संगीत तो जुड़ गया, आध्यात्म भी जुड़ गया था सत्संग के कारण, योग साधना से अब संगीत भी आ गया, किंतु दिशा नहीं थी। तो एक और संत आए, राजस्थान तो वृंदावन के बगल में है ही, ये संत वृंदावन से पहुंचे और मीरा के आध्यात्मिक पुकार को श्याम सुंदर की ओर मोड़ दिए। तो अब मीरा को ये दिशा मिल गई, श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती थी, वृंदावन का ध्यान करती थी, इसमें वो लीन रहती थी। माँ और परेशान होती जा रही है कि मेरी लाडली सी बेटी और ससुर जी ने उसको कहाँ संतों के पीछे लगा दिया। अरे थोड़ा सा हाई स्कूल पास करे, बीटेक करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, माता पिता आजकल के ऐसे ही एम्बिशन रखते हैं। तो वो 500 साल पहले भी ऐसा ही एम्बिशन रखते थे भाई, कुछ बेटी योग्य बने, और ये क्या संतों के सत्संग में पड़ी रहती है। लेकिन अब वो अवसर आ गया था। ऐसा एक अवसर आता है जीवन में जिसको अगर पकड़ लिया जाए तो पूरा मार्ग खुल जाता, और उसका लाभ न उठाए तो पता नहीं कितने वर्ष के बाद दोबारा अवसर आता। वो अवसर मीरा के जीवन में आया। एक संत वहां पधारे। अब ये संत तो जो थे बिल्कुल अंतर्मुखी टाइप के थे, खास किसी से बातचीत नहीं। इनके पास सुंदर सी एक श्री कृष्ण की मूर्ति थी जिसको वे गिरिधर गोपाल नाम से पुकारते थे, और वो गिरिधर गोपाल की पूजा इत्यादि करते थे। तो मीरा बैठ के देखती रहती थी और मन ही मन सोचती थी कि मेरे पास भी ऐसे ठाकुर जी का विग्रह हो। वैसे तो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, लेकिन मीरा का ध्यान उस दिशा में पहुंच चुका था। यहां संत देखते थे मीरा की भक्ति को और समझ जाते थे। तो एक दिन संत ने कहा, आरती का समय था, मीरा से कहा, बेटी कुछ गा के सुनाओ। जो हरी की गति, जो हरी जा।
मीरा ने जो भजन लिखे अधिकांश ब्रज भाषा में और उसमें राजस्थानी का भी मिश्रण, ये लगभग 500 वर्ष पहले जो भक्ति युग चला, एक भक्ति आंदोलन जिसके अंतर्गत लगभग 100 विशिष्ट संत पूरे भारतवर्ष में अवतरित हुए और सर्वत्र एक भक्ति का माहौल स्थापित कर दिए, उसी के अंतर्गत मीरा का भी अवतरण हुआ। तो उसके लगभग 1000 ऐसे भजन पद उपलब्ध हैं, लेकिन उनका लोगों के चित्त पर कैसा प्रभाव पड़ा है ये आश्चर्यजनक है कि आज 450 वर्ष के पश्चात भी लोग मीरा के भजनों को गा रहे हैं, क्योंकि वो उनका हृदय कहीं ना कहीं उन मीरा के शब्दों से छू जाता है। तो यहाँ पर मीरा ये गाने लगी, अब राव दूधा ने सुना, राव दूधा और आश्चर्यचकित, किंतु संत समझ गए। जैसे मीरा की पंक्ति है ना कि जौहरी की गति जौहरी जाने, वो समझ गए ये कौन से हीरे की खोज में है। संत वहां पर कुछ 2 सप्ताह तक रहे, ज्यादा समय तो रहेंगे नहीं, क्योंकि बहता पानी और रमता जोगी, पानी कभी स्थिर नहीं रहता और जोगी भी एक जगह नहीं रहता। तो मीरा के मन में चिंता शुरू हो गई कि मैं इनको देखती हूँ गिरिधर गोपाल की पूजा करने, अब ये चले जाएंगे तो हृदय में जो खालीपन होगा उसको कैसे भरूंगी, मैं इनसे गिरिधर गोपाल मांग लूं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कोई अपने आराध्य इष्ट देव को दे देगा, ये तो कभी भी नहीं होगा। मीरा ये सोच रही है और वो संत को लग रहा है कि ये विशिष्ट आत्मा का मुझे सानिध्य मिला है, मुझे उसे अवश्य कुछ देना चाहिए। उनको रात को कैसा स्वप्न आदेश हुआ, कैसी प्रेरणा गिरिधर गोपाल ने दी, अगले दिन उनको प्रस्थान करना था, उन्होंने मीरा को बुलाया और कहा कि गिरिधर गोपाल की सेवा करोगी। मीरा विभोर हो गई, क्योंकि उसको मन में इच्छा तो थी लेकिन सोचा नहीं था कि इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी। तो संत ने अपने गिरिधर गोपाल मीरा को दे दी। मीरा ने जब माँ को बताया, माँ ने कहा ऐसा भला हो सकता है कि कोई अपने आराध्य इष्ट देव इस प्रकार से दे दे,
लेकिन मीरा के सामने अब एक ही लक्ष्य है, मुझे तो अपने गोपाल मिल गए और मुझे उनकी सेवा करनी। वो दिन भर उनकी ओर देखती रहती थी। अगर उसे प्रतीत हो कि उनकी मुस्कान कम हो गई तो चिंता हो जाती थी, शायद भोजन पसंद नहीं आया, शायद पानी की प्यास है। वो कभी गा के उनको रिझाए, कभी किसी प्रकार से उनको प्रसन्न करे, इनके लिए कपड़ों की सिलाई करनी है, इनके लिए पकवान बनाने हैं। तो ये सब काम आता गया। मीरा के अंदर एक अभिलाषा अभी रह गई, वो क्या? कि गुरु मिल जाए। अब भारतवर्ष में सबके मन में रहता है, क्योंकि बचपन से ही सुनते हैं भाई एक गुरु होना चाहिए। तो एक गुरु मिल जाए, बस काम बन जाए, ये उसकी अभिलाषा थी। तो खबर आई राव दूदा के पास कि काशी के परम संत संत रविदास वे पधार रहे हैं मेड़ता। मीरा ने कहा अब तो मेरा भाग्य खुल गया। कई लोगों ने विचार किया है कि मीरा के गुरु कौन थे, किंतु मीराबाई का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, तो उस मंदिर में भी संत रविदास के चरण चिन्ह स्थापित हैं, और मीरा ने अपने पदों में भी उनको गुरु के रूप में लिखा है। तो जब संत रविदास वहां पहुंचे, अब मीरा ने पूजा छोड़ के उनकी सेवा कर दी। और यही नियम भी है कि भाई पूजा कर रहे हो भगवान की, किंतु यदि गुरु जी आ जाए तो 100 बार वो पूजा को छोड़ो और गुरु की सेवा करो, उससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। ये मे भक्ता ही हे पार्थ, न मे भक्ता स्तुते मता, मत भक्तस्य ये भक्तास्ते मे भक्त तमा मत। अर्जुन जो सोचता वो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त। अब संत रविदास देखे मीरा के भावों को और उन्होंने मीरा के हाथ में एक तारा पकड़ा दिया, मीरा को संकेत कर दिया कि तुम्हारा साधना का मार्ग भजन का है। उस दिन से मीरा ने वो एक तारा लिया, उसको अपना लिया और उसी के साथ वो गीत गाती गई, अपने गिरिधर गोपाल को रिझाती गई। समय बीतता गया, अब मीरा युवावस्था तक पहुंच गई थी। यहां पर राव दूदा काफी वृद्ध हो गए थे, खाट पे बीमार थे। स्पष्ट हो गया था लोगों को कि अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। मीरा को चिंता लग गई, क्योंकि वे जानती थी घर में यही मेरे भाव को समझते हैं और रक्षा करते हैं। जब भी घर वाले शादी की बात करते थे तो ये अपने दादा के पास भाग के आ जाती थी, और दादा कहते थे जब तक मैं हूं तेरी इच्छा के विपरीत शादी नहीं होने दूंगा। किंतु अब दादाजी तो प्रस्थान करने जा रहे हैं, वो लेटे हुए हैं। तो मीरा को बुलाया राव दूदा ने, मीरा आई और समझ गई ये चाहते क्या हैं। तो वो गुरु का स्मरण करके और भजन गाने लगी, और उसको सुनते ही राव दूदा का चित श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचा। और जब तक भजन पूरा हुआ, राव दूदा का शरीर शांत हो गया। अब इसी के साथ भारी समस्या मीरा की ऊपर आ गई, अब ये शादी की बात जरूर छेड़ी जाएगी। माँ ने कहा आज तो ऐसा प्रस्ताव आया है कि मैं तुझसे स्वीकृति लेकर ही रहूंगी,
क्योंकि चित्तौड़गढ़ बड़ा राज्य, उनके प्रसिद्ध राजा राणा सांघा के पुत्र भोजराज के से विवाह का प्रस्ताव आया है। तो मीरा ने कहा माँ से कि माँ, मेरा तो विवाह हो चुका, हमारी भारतीय महिला विवाह हो गया है, वो एक बार अपना हृदय किसी को देती, पाश्चात्य देशों की संस्कृति जैसी नहीं। तो मैं राजस्थानी हूं, राजपूत घर से हूं, मेरा विवाह हो चुका है, अब तुम कहती हो कि फिर से भोजराज के साथ विवाह करो। माँ ने कहा तेरा विवाह हो चुका है, किसके साथ विवाह हुआ? माँ आपको याद है ना, मैं जब छोटी थी तो एक बारात जा रही थी वहां से, और मैंने पूछा था ये क्या है, आपने बताया था ये दूल्हे राजा है, विवाह करने जा रहे हैं, और मैंने पूछा था कि मेरे दूल्हा कौन है, मेरा किससे विवाह होगा, और आपने बताया था कि मेरे तो गिरिधर गोपाल है। मेरा बाल्य मन उसने श्याम सुंदर को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। अब मैं क्या करूं, मैं तो एक को ही जानती हूं और वो है गिरिधर गोपाल।
गीता के लॉजिक से मां प्रभावित नहीं हुई। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि कोई कहे कि एक मूर्ति मेरे पति हैं, मां ने स्वीकार नहीं किया। अब उस समय की बात है, 500 वर्ष पुरानी, समाज की स्थिति अलग थी। इतनी हिम्मत किसमें थी कि माता पिता के विरुद्ध चले जाएं विवाह के मामले में। तो विवाह निश्चित हुआ। मीरा ने कहा हे गोपाल, आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं उसको स्वीकार करूंगी। तो विवाह तो हुआ, लेकिन मीरा जब विवाह मंडप में पहुंची तो उसके गिरिधर गोपाल साथ में थे, और भोजराज के साथ जब चक्कर लगा रही थी उस समय भी गिरिधर गोपाल हाथ में थे। विवाह के पश्चात चित्तौड़ पहुंची, वहां पर सास ने प्रवेश में ही कहा बेटी, हमारी कुल देवी है बाण देवी, कहीं कहीं पे बायन देवी भी नाम आया है, तो बाण देवी को प्रणाम करो। वहीं पे मीरा ने झगड़ा शुरू कर दिया। मीरा ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी। लोगों ने कहा अरे करो, क्यों ऐसे टेंशन कर रही हो, सास को अभी से नाराज कर रही हो, घर में पहुंची ही हो। मीरा ने कहा मेरा सिर तो एक ही जगह झुका है, वहां और कहीं नहीं झुकेगा। मीरा ने वहां पर जो इनकार किया, जीवन भर के लिए झगड़ा मोल ले लिया। अब कोई कहे भाई कर देती एक्टिंग में क्या समस्या है, शास्त्र भी तो कहते हैं कि सबके अंदर भगवान को देखो। यही जो बाण देवी थी वो पार्वती का स्वरूप मानो या दुर्गा का स्वरूप मानो, वो भी तो श्री कृष्ण के ही शक्ति है, प्रणाम कर देती। लेकिन जब हम संतों की जीवनी सुनते हैं तो हमको एक बात याद रखनी चाहिए, ये संत लोग भगवान की प्रेरणा से कभी कभी कार्य करते हैं, अक्सर कार्य करते हैं। अगर मीरा वहां झुक जाती, दो चीजें होती, एक तो उसका कृष्ण प्रेम कलंकित हो जाता, लेकिन वो बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कृष्ण भक्त भी तो जगह जगह झुक सकता। किंतु उसके श्रद्धा विपरीत परिस्थिति में ही उसकी एक निष्ठता, उसका प्रेम और उजागर हुआ। तो संभव है कि श्याम सुंदर ने ही ऐसा माहौल बना दिया मीरा के लिए। तो मीरा ने विवाह के शुरुआत से ही झगड़ा मोल ले लिया। अब टेंशन तो प्रारंभ हो गया, अंदर पहुंची। कुछ ही दिन के पश्चात गणगौर का व्रत आया। ये गणगौर का व्रत राजस्थान का एक बहुत प्रमुख उत्सव है, बहुत सीरियसली उसको लिया जाता है। अविवाहित स्त्रियां अपने आने वाले वर के लिए करती हैं, विवाहित स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य दीर्घायु के लिए करती हैं। तो घर में जो बाई थी उदाबाई, वो पहुंची मीरा के पास और कहा गणगौर का व्रत है, आज आप बढ़िया आभूषण रखें और व्रत रखेंगे। तो मीरा ने सोचा कि हमारे जो पति हैं उनके लिए हमको ऐसे व्रत रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। और उदाबाई उनको कहे कि अच्छे से 16 श्रृंगार करो, सब स्त्रियां आज ऐसा करती। मीराबाई ने कहा इन सब श्रृंगार का महत्व नहीं है, अंदर वाले श्रृंगार का ज्यादा महत्व है, सहनशीलता, दीनता, नम्रता। अब वो उत्तर सुनकर उदाबाई का के अंदर घोर द्वेष प्रारंभ हो गया मीरा के प्रति। यहां पर सास भी नाराज, उदाबाई भी नाराज।
उदा ने घर में जितनी सेविकाएं थी सबको विपरीत कर दिया। वो एक लक्ष्य बनाए कि ये जो नई बहू आई है इसका अब हम अनिष्ट कैसे करें। तो इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और खूब प्लानिंग के साथ उदाबाई पहुंची कुंवर भोजराज के पास और कहा, देखिए आप विख्यात राजपूत राजा हैं, राजकुमार, तो ये शोभा नहीं देता है कि आपकी नवविवाहित पत्नी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करे। भोजराज ने कहा, क्या हम आपको बताते हैं, आंखों देखा हमने सुना है, रात रात भर बातचीत करती है। भोजराज ने कहा, ऐसा कैसे, मैं उसको मार डालूंगा। तो भोजराज के अंदर द्वेष की अग्नि उठ गई, वे तलवार लेकर चले। किसी ने सावधान किया, भाई पहले जांच तो कर लो कि फैक्ट है या झूठ है, किसी ने कान भर दिया है। भोजराज ने कहा, ये बात भी सही है। तो भोजराज वैसे मीरा का सम्मान बहुत करते थे। जब मीरा ने बाण देवी को प्रणाम नहीं किया और सास ने कहा भोजराज से कि देखो ये क्या कर रही है, भोजराज ने कहा, भक्तों की गति को कौन समझे। मां ने कहा, लो विवाह के पहले दिन ही उसने तुझे लट्टू बना दिया। भोजराज ने कहा, भक्तों की गति तो भक्त लोग ही समझते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो समझता नहीं। ऐसे एक विशिष्ट आत्मा तो भोजराज भी थे, लेकिन आज वे द्वेष की अग्नि में तलवार लेकर आए हुए थे, ये सुनकर कि मीरा का तो कोई अफेयर चल रहा है। अब वहां पहुंचे, भोजराज खड़े होके सुनने लग गए, क्या बातचीत कर रही है। जाकर राखो जी गिरधारी मने, जाकर राखो जी, जाकर राखो जी गिरधारी मने, जाकर राखो जी, जाकर राखो जी श्याम मने, जाकर राखो जी। जाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलियन में, वृंदावन की कुंज गलियन में तेरी लीला गासू जी मने, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी गिरधारी लला, चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागिरी पाऊं, भाव भगति जागिरी पाऊं, तीनों बाता सरसी जी मने, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी गिरधारी मने, चाकर राखो जी। मोर मुगुट पी तांबर सो है, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला जी मने, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी।
यहाँ मीरा गा रही थी और राणा बाहर बैठ के सुन रहे थे। कुंवर भोजराज वो अचानक अंदर आ गए तलवार के साथ। कौन है तेरा प्रेमी प्राइवेट वाला? मैं उसको खत्म कर दूंगा, इस तलवार से उसकी जान ले लूंगा। मीरा ने कहा आप किसकी जान लेंगे? अरे मेरे जो प्रियतम हैं, जिनसे मैं बात कर रही थी, आप उनके ऊपर तलवार चलाएंगे? भोजराज ने कहा है तुम्हारा प्रियतम? मीरा ने दिखाया गिरिधर गोपाल, मैं उनसे बात कर रही थी, उनको गा के सुना रही थी। तो वो बात से भोजराज एकदम प्रभावित हो गए कि ये पता नहीं कैसी संत मेरे घर में आई है और कैसा उसका भक्ति भाव है, ये रात रात भर श्याम सुंदर को गा के रिझाती जाती है। और उस बात को देखकर उदाबाई का हृदय भी परिवर्तित हो गया कि हम गलत समझ रहे थे, इनकी भक्ति तो अतुलनीय है, और कैसा इनके जैसा हमने भक्त नहीं देखा है। तो अब वहां पर भोजराज का समर्थन पहले ही था, वो और भी बढ़ गया। एक बार मीराबाई और भोजराज बैठ के बातचीत कर रहे थे। भोजराज ने कहा कि इतने सारे मार्ग हैं तो प्रेम मार्ग ही क्यों? मीरा ने कहा मार्ग तो अनेक, किंतु सबसे सरल प्रेम मार्ग। तो भोजराज ने कहा कि तुम उनकी प्रतीक्षा में गाती रहती हो, ऐसा क्यों? मीरा ने कहा इसलिए क्योंकि वे तो समर्थ हैं और मैं असमर्थ हूं। उनके तो अनेक, मेरे एक ही हैं, इसलिए मुझे उनकी प्रतीक्षा करनी ही है। भोजराज ने एक दिन कहा कि हमको भी कुछ दर्शन कराओ, आपकी बात तो सुनते ही, आप कहोगे तो जरूर दर्शन देंगे, तो हमको दर्शन कराओ। मीरा ने कहा कि वो तो अभिज्ञ स्वराट स्वेच्छाचारी है, मेरे इच्छा के अनुसार चलते हैं, ऐसा नहीं। खैर फिर भी उन्होंने सेविका को कहा मीराबाई ने कि हमारे आभूषण पड़े हैं, वो ले आओ जरा। तो जहां आभूषण पड़े थे वो ले आए वहां पर। उनको भोजराज ने देखा। अब मीरा ने श्याम सुंदर के दर्शन तो कराए नहीं, आभूषणों के करा दिए, और कहा ये अलौकिक आभूषण ये कहां से आए हैं? मीरा ने कहा ये श्याम सुंदर ने दिए, विवाह से एक दिन पूर्व जब मैं बहुत ही दुखी थी और रोती जा रही थी तो अचानक वे वहां पर आ गए और उन्होंने मेरे हाथ पीले कर दिए और ये आभूषण मुझे दे दिए, तो उन्हीं आभूषणों को लेके मैं यहां पर आई। भोजराज ने कहा मैंने तो कोई ऐसे पुण्य किए नहीं थे कि मुझे इनके दर्शन हो, अब तुमको कुछ वरदान मांगना हो तो मांगो। मीरा ने कहा क्या चाहिए मुझे, लेकिन मैं सत्संग को बहुत मिस करती हूं, जो माइके में पीहर में जो मिलता था यहाँ पे माहौल नहीं है, एक मेरे लिए मंदिर सत्संग भवन बना दीजिए। भोजराज ने सोचा एक तरफ बदनामी होगी, ये सब परिवार वाले ये कहेंगे हमारी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंच रही है, राजपूत लोग वैसे ही प्रतिष्ठावान उसको महत्व देते हैं, और यहाँ पर संत इत्यादि पधारेंगे, नाटक होगा, ड्रामा होगा। किंतु भोजराज ने कहा मन ही मन सोचा कि जीवन बीत जाता, पुण्य अच्छा कार्य करने का चांस कभी कभी मिलता,
तो ये एक चांस मिला है, इसको हम खोएंगे नहीं। उन्होंने वहां पर मीरा का मंदिर महल के अंदर ही बना दिया मीराबाई के लिए। मीरा वहां पे सत्संग प्रारंभ कर दिया। अब सत्संग में संत लोग इत्यादि पधारे, उससे घर वाले परेशान हो, मीरा चिंता नहीं करती थी। ये इसके प्रेम का लक्षण था। लोग जितना भी विरोध करें उसको फर्क नहीं पड़ता था, अपने जगह से टस से मस नहीं होना। अब वो जो गीत गाती थी और साथ में नृत्य करती, तो संत लोग आते थे वहां पर, सत्संग होता था। ये खबर पहुंच गई अकबर के पास, तो अकबर भी संतों का सम्मान तो करता ही था, स्वामी हरिदास से मिलने गया था वृंदावन। तो यहां पर राजपूत राज्य है, बड़ा शक्तिशाली। अकबर ने कहा वहां हम अब ये महिला संत के दर्शन कैसे करें, तो तानसेन के साथ भेष बदल के आया और वहां सत्संग में सम्मिलित हुआ अकबर, ऐसा आख्यान आया है। और जब मीरा को गाते सुना, पश्चात जब मीरा नृत्य करने लगी, अकबर को लगा कि इसके शरीर से तो ऐसी लाइट निकल रही है, सीधा विग्रह में पहुंच रही है। मीरा तो मूर्छित होके गिरी। जब होश में आई, अकबर ने परिचय दिया और कहा कि मैं दिल्ली का बादशाह, कुछ उपहार देना चाहता हूँ, स्वीकार करें। मीरा ने इनकार कर दिया। अकबर ने एक माला लेके गिरिधर गोपाल के सामने रख दी। ये बात फैल गई और राणा सांघा के पास पहुंची और वहां से भोजराज के पास पहुंची। तो उनके प्रतिष्ठा, उनके अभिमान को ठेस पहुंची कि मुगल बादशाह आया और उसके उपहार को स्वीकार कर लिया बहुरानी ने। अब की बार राणा सांघा ने आज्ञा दी कि इसका प्रायश्चित होना चाहिए। तो मीरा ने कहा ठीक है। फिर वो मीरा ने कहा कि मैं स्वीकार करती हूं, प्राण त्याग पर्याप्त प्रायश्चित है। राणा ने कहा बिल्कुल। मीरा अपने गिरिधर गोपाल को हृदय से लगा के नदी में कूद गई, किंतु उस समय उसने अनुभव किया कि श्याम सुंदर ही उसको उठा के बाहर ले आए और कहा मीरा से कि अब तुम्हारा संसार हमने सब खत्म कर दिया, तुम्हारा मार्ग बस अब एक ही है। तो भोजराज को पश्चाताप हुआ, मीरा को वापस स्वीकार किया। कुछ दिन बीते, युद्ध में राणा सांघा और भोजराज दोनों घायल हो गए। तो दोनों के का देहांत हुआ। भोजराज के चचेरे भाई राणा विक्रमजीत, अब इनको राज्य मिला चित्तौड़ का। तो विक्रमजीत इन सब बातों से चिढ़ते थे कि ये जो है भोजराज की पत्नी, ये पता नहीं कहाँ से आई है, कैसी उल्टा स्त्री है। और समस्या और भी बढ़ गई कि भोजराज का जब देहांत हुआ तो मीरा ने अपना आभूषणों को उतारा नहीं। अब लोग कहे कि ये कैसा व्यवहार है, व्रत के समय तुमने आभूषण पहने नहीं, अब तुम आभूषण उतारते नहीं। तो मीरा ने कहा कि मेरे पति तो ठीक ठाक है ही, उनको भले मारेगा कौन, स्वीकार नहीं किया। तो विक्रमजीत और चिढ़ गए और मीरा वहां पर सत्संग करती है, संत लोग आते हैं और हर बार संत आते हैं तो विक्रमजीत से सहन नहीं होता। वो प्रसिद्ध है, मीरा ने अपने पदों में भी गा के सुनाया है राणा ने क्या क्या किया। एक दिन उसको पता था कि सुबह वैजंती माला लेके और जाती है मंदिर, अपने महल से मंदिर, तो एक शेर को छोड़ दिया आंगन में। अब यहां उदाबाई जान गई राणा के भाव को,
और कहा कि रानी साहिबा, बाहर निकलना बहुत खतरनाक है, आप बच के रहिए। मीरा के स्वभाव की एक और विशेषता ये थी, पूर्णतया भयहीनता, किंचित भी भय नहीं। मीरा ने कहा कि अगर राणा नाराज हो गया मुझे महल से निकाल देगा, लेकिन मेरे गिरिधर गोपाल नाराज हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। मीरा ने कहा मैं नहीं डरने वाली। वो निकली और कुछ उनको हुआ ही नहीं, वो बाघ शांत बैठा रहा। मीरा ने अपनी माला अर्पित की। पश्चात राणा ने एक टोकरे में सांप भेजा, ये कहकर कि ये उपहार है गिरिधर गोपाल के लिए। मीरा ने खोला तो सांप के स्थान पर गिरिधर गोपाल की छवि वहां पे मिली। राणा विक्रमजीत ने अपने वैद्य से पूछा, कोई विष इत्यादि नहीं मिलता है क्या जिससे कालकूट के जैसा कि इसके प्राण समाप्त हो जाए। वैद्य ने कहा कई ऐसे विष मिलते हैं। तो व्यवस्था की, अब 5 कटोरे चरणामृत के सोने के तैयार किए गए। अब उसमें चरणामृत के स्थान पर विष डलवाया गया और राणा ने संदेश भेजा कि ये वृंदावन से श्याम सुंदर का विशिष्ट चरणामृत आया है, आप इसका सेवन करें। यहां पर उदाबाई ने वार्न कर दिया कि राणा की मंशा खराब है, आपको विष पिलाना चाहते हैं, किंतु वो आख्यान तो सर्वविदित है कि मीरा ने कहा अगर ये मेरे गिरिधर गोपाल का चरणामृत है तो मुझे कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने उसी को पी लिया और कुछ नहीं हुआ। किंतु जब राणा के ये यातनाएं अत्यधिक हो गईं, तो मीरा ने कहा यहां अब रहने का मतलब नहीं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को त्याग दिया और वृंदावन खास दूर नहीं था, वृंदावन पहुंच गई अपने श्याम सुंदर की भूमि। वहां पर वो 2 वर्ष तक रही और वहां की लीला भी लोगों ने सुनी हुई है कि जीव गोस्वामी थे उस समय, गौरांग महाप्रभु का अवतार तो हो चुका था और उनके 2 प्रमुख शिष्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो भी अपने समाधि ले चुके थे, तो सबसे सीनियर उस समय जीव गोस्वामी थे। मीरा की इच्छा हुई कि हम इनके दर्शन करें। जब पहुंची उनके आश्रम, शिष्यों को कहा कि गुरुदेव के दर्शन करना चाहती है, तो शिष्यों ने जाकर जीव गोस्वामी से पूछा। जीव गोस्वामी ने कहा उनको बोल दो कि हम किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते। शिष्यों ने जाकर कहा कि वो कहते हैं उस स्त्री को तो दर्शन देते नहीं। मीरा ने कहा उनको कहो मैंने तो सुना था कि ब्रज में एक ही पुरुष है, ब्रज राजकुमार। अब गोपी भाव में तो सब जीव जो है वो प्रकृति है, स्त्री है, और पुरुष तो एकमात्र ब्रज राजकुमार है। तो मैंने सुना था यहां पर एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन सा आ गया जो कहता मैं स्त्री को दर्शन नहीं देता। जैसे जीव गोस्वामी ने उस बात को सुना, वे नंगे पैर भाग गया है कि ये जो भक्त है मुझसे बहुत आगे है अपनी अनुभूति में। तो मीराबाई 2 वर्ष तक रही, पश्चात उनको न जाने क्या प्रेरणा मिली, वहां से वो पहुंची द्वारकाधीश। द्वारका में वे कई वर्षों तक, लगभग 8 वर्ष तक रही। किंतु यहां पर जब से मीरा ने चित्तौड़ को त्यागा, तो चित्तौड़ में एक के बाद एक आपत्ति आती चली गई, कभी सूखा कभी अत्यधिक ठंडी इत्यादि। तो लोग
राणा विक्रमजीत को सलाह देने लगे कि आपने भगवान के परम भक्त का अपमान किया है, इसलिए ये आपत्तियां आ रही। जैसे विभीषण ने लंका को त्याग दिया था तो मीरा ने चित्तौड़ को त्यागा। उस समय राणा ने एक दल भेजा, जाओ उनसे मिलकर उनको वापस बुलाओ। अब एक ओर तो उनको मारने की योजनाएं बनाए हुए थे, दूसरी ओर वे दल भेजे कि उनको वापस बुलाओ। वो उनके प्रतिनिधि पहुंचे द्वारका, द्वारकाधीश के मंदिर में मीराबाई रहती थी, तो निवेदन किया कि राणा ने आपको ससम्मान वापस आमंत्रित किया। मध्याह्न का समय था तो मीराबाई के सामने जब प्रस्ताव आया, मीरा श्री कृष्ण को देखने लगी और सोचा और कहा श्री कृष्ण से कि अब मैं आपको छोड़ के कहां जाऊंगी। तो कथा आती है कि मीरा सीधा मंदिर में प्रवेश की और श्री विग्रह में लीन हो गई, तो उनकी जो चुनरी थी वो श्री विग्रह पे रह गई। इसलिए अक्सर द्वारकाधीश का श्रृंगार जो होता वहां पर मीरा की चुनरी भी रख दी जाती। तो इसी के साथ वो परम भक्त मीरा ने जो थोड़े से वर्ष इस पृथ्वी पर रही, उन्होंने अपने भजनों से और अपने आचरण से जो सिखाया, ये मात्र शास्त्र पढ़ने से नहीं मिल सकता, ये तो भगवान ही अरेंज करते। कभी स्वयं अवतार लेके आ जाते, कभी अपने ही अंग स्वरूप संतों से ऐसे आचरण कराते हैं कि वो भक्ति की शिक्षा जन साधारण को मिल जाती है। तो वो मीराबाई ने शरीर के साथ गायब हो गई, किंतु इतिहास में उनका नाम सदा सदा के लिए अंकित हो गया। बोलिए गिरिधर गोपाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।